अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान अदीब है और आप देख रहे हैं अदीब टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि बेस्ट एंटीवायरस कौन सा है कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए। तो बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से ये पूछा है और मैं भी जो पर्सनली यूज़ करता हूँ एंटीवायरस, और मैं वही आपको बताने वाला हूँ। और मैंने विंडो की थी और दोबारा से मैं चीज़ें इंस्टॉल कर रहा हूँ और साथ साथ आपको बताई जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको कहाँ कहाँ से डाउनलोड करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। तो आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं एंटीवायरस। तो मैंने खुद ये यूज़ किया। आप जितनी मर्ज़ी गंदी USB या जितनी मर्ज़ी वायरस वाली USB लगाएँ, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में बिल्कुल भी वायरस नहीं जा सकता। तो चलें इसे देखते हैं डाउनलोड कहां से करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने करना क्या है, अपना सबसे पहले कोई वेब ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट टाइप करनी है और आपने कर देना है इंटर। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च बार में आ जाना है और यहाँ पे हम उस एंटीवायरस का नाम सर्च कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आवास लिख के सर्च करते हैं या आप यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं या आप यहाँ पे नाम भी उसका सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है आवास एंटीवायरस ऑनलाइन इंस्टॉल। तो ये सबसे बेस्ट एंटीवायरस है, ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये वाकई में काम करता है, कि ये वायरस बिल्कुल भी आपके सिस्टम में दाखिल नहीं होने देता। तो आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ एड्स आएगी। तो यहाँ पे ऐड वगैरह नहीं आ रही, तो जैसे ही आप उस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि आप यहाँ पे आपके पास इस तरह से डाउनलोड होगा। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं। तो अगर आपके पास डाउनलोड ना हो तो यहाँ पे रीसेट इट हर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बिल्कुल छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको अब हम शो इन फोल्डर करते हैं और ये हमारे पास आ चुका है। तो इसको अब हम करते हैं ओपन और यहाँ पे ये हमारे पास यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये ऑनलाइन इंस्टॉल होगा। तो इसको आप CD वगैरह से अगर करते हैं तो उसको आप क्रैक कर लें, और अगर आप ऑनलाइन इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस ऑनलाइन आप इंस्टॉल करें, ये रजिस्टर्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है और इसके ज़रिए बिल्कुल भी वायरस नहीं आता। तो आप लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं यहाँ पर ऑनलाइन डाउनलोड करके ऑनलाइन इंस्टॉल कर रहा हूँ। मेरे भी आपसे यही सलाह है कि आप भी ऑनलाइन ही इंस्टॉल करें इसको। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे ये ऑनलाइन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में और यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंटीवायरस इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे भी आ गया और फिर हम कंटिन्यू पे करते हैं और यहाँ पे ईमेल का वो कह रहा है, लेकिन हम यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंटीवायरस ऑन हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और ये डाउनलोड भी हो चुका है और ये अब आप इसमें कोई भी USB अगर आप लगाएंगे आपके पास ये बिल्कुल भी वायरस दाखिल नहीं होने देगा आपके सिस्टम में। तो ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको बताया भी, ये वाकई में काम करता है, बिल्कुल सही एंटीवायरस है।
तो आप बस करना क्या है कि आपने इसको डाउनलोड करना है ऑनलाइन और ऑनलाइन ही इंस्टॉल करना है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।